जी हाँ, कल है पवन सिंह जी का बर्थडे और उनकी पत्नी ज्योति सिंह कुछ अलग अंदाज में कर रही हैं तैयारी। पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुँच जाए रउआ तक राउर अपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब। अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा दे, सब खबर फ्री में। सभी को पता है कि कल है पवन सिंह का बर्थडे। जो पवन सिंह के फैंस हैं उन्हें पता है कि 5 जनवरी को पवन सिंह जी का बर्थडे है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी पवन सिंह के लिए नीचे जरूर कुछ लिखें, हैप्पी बर्थडे भैया, क्योंकि पवन सिंह के फैंस हैं तो हमें उन्हें बधाइयाँ देनी भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भोजपुरी को और आगे बढ़ाए। चलिए बात करते हैं उनके बर्थडे की तैयारी की। तो आप सभी को पता है कि बात है 2018 की, जब पवन सिंह का बर्थडे रांची में मनाया गया था। क्रैक फाइटर की उस समय शूटिंग हो रही थी तो उस समय पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कुछ अलग ही अंदाज में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था और वहाँ पे पवन सिंह पहुँच गए थे अनाथालय और वहाँ पे ही बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन इस साल पवन सिंह लंदन से वापस आ गए हैं मुंबई, लेकिन उनकी पत्नी बलिया में है। हो सकता है कि उनकी पत्नी, जहाँ तक खबरें यह आ रही है कि उनकी पत्नी बलिया से जाएंगी मुंबई और वहीं पे होगा उनका बर्थडे सेलिब्रेशन। आप सभी को बता दूं कि पवन सिंह के पूरी फैमिली इस समय मुंबई में है उनके बर्थडे के लिए, सिर्फ ज्योति सिंह ही अपने मायके में है। अब यह पता चल रहा है कि वह भी जल्द ही पवन सिंह से मिलने मुंबई पहुँचेगी, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है। जहाँ तक सूत्रों के हवाले से यही खबरें आ रही हैं कि जल्द ही पवन सिंह की पत्नी भी मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगी और कल मनेगा बहुत अच्छे से उनका बर्थडे। अभी अभी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस साल ज्योति सिंह किस तरीके से सरप्राइज करती है पवन सिंह को। जैसे ही हमें कुछ अपडेट मिलती है हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक आपसे यही फिर से अनुरोध करती हूँ कि आप भी पवन सिंह को बर्थडे विश जरूर करें और ऐसी ही भोजपुरी की ताज़ा तरीन न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें और पवन सिंह के सभी फैंस के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।